ओके तो भाई समर स्लैम ही वही जगह है जहां पर हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोम रेस रसल में 40 के बाद अपने वापसी करने वाले और हैं। क्या दोस्तों सच में परसों होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमारे जिमी उसो सोलुसिको के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हां भाई आज की इस वीडियो में मैं आपका हेड आउट क्लियर कर डालूंगा कि रोम रेस हिल कैरेक्टर में आएंगे या फिर फेस कैरेक्टर में। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि रोम रेस का रिटर्न मनी इन द बैंक में होने वाला था बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सी कैनवा की डेट बाद में दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ रोम रेस उन सभी रिचुअल में फंस गए। हां भाई जब तक हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोम रेस घर पर थे उतने टाइम में हमारे सोलुसिको ने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लगभग कोड्रोस को चैलेंज किया है। जैसे कि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सोलुसिको ने कहा था कि रोम रेस ने जो चैंपियनशिप रसलमेने में हारी थी वो फिर एक बार कोड्रोस को हराकर ब्लड लाइन में लाने वाले हैं। भाई सोलुसिको का यही एटीट्यूड देखकर तो मुझे लगता है कि सोलुसिको बाय हुक और बाय क्रू को चैंपियनशिप ब्लड लाइन में लाने वाले हैं। हां भाई इन सभी चक्करों में मुझे ये बात नहीं पता चल रही कि अगर सोलुसिको ने वो चैंपियनशिप जीती तो ब्लड लाइन सिविल और कैसे होगा। अगर दोस्तों सोलुसिको ने WWE चैंपियनशिप जीती तो रोम रेस का वापस आने के बाद सारा फोकस वो चैंपियनशिप के ऊपर होगा। लिख के देता हूं दोस्तों समर स्लैम में रोम रेस की वजह से ही सोलुसिको अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हारने वाले हैं। इस तरह दोस्तों रॉयल रंबल 2022 में रोम रेस की वजह से ब्रॉक लेसनर अपनी चैंपियनशिप बॉबी लैशले के खिलाफ हारे थे। भाई सवाल यही पर बचता है कि रोम रेस रिटर्न आए तो रोम रेस कौन से कैरेक्टर में आएंगे, क्या वो हील होंगे या फिर फेस होंगे। भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोम रेस ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में आने वाले हैं यानी हील कैरेक्टर में वापस आने वाले हैं। भाई इस बात में भी एक ट्विस्ट है, अगर दोस्तों हमारे रोम रेस हिल कैरेक्टर में भी वापस आते हैं तो ऑडियंस उनको फेस ही बनाएगी क्योंकि भाई वो सामने वाला जो बंदा है वो रोम रेस से भी ज्यादा टॉप वाला हिल है तो ऑडियंस ऑब्वियसली दोस्तों रोम रेस को ही सपोर्ट करेगी। भाई चलिए बात कर लेते हैं कि परसों होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमारे जिमी उसो अपनी वापसी करने वाले हैं। इसके बारे में दोस्तों एक अपडेट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे जिमी उसो अब रेसलिंग करने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। अगर दोस्तों इसी बात को ध्यान में लेते जाए तो हमारे जिमी उसो ऑफिशियली क्लियर होने के बाद हमारे सोलुसिको से बदला लेकर ही रहेंगे। जिमी उसो को खुद का बदला लेने के लिए परसों वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी परफेक्ट जगह है। क्या भाई आपको क्या लगता है इन सभी अपडेट्स के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपके माइंड में कौन सी थ्योरी चल रही है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।